बंधुत्व के अनोखे अब नजारे हैं कि मोर बंधुत्व के अनोखे अब नजारे हैं, हम हैं आपके और आप सब हमारे हैं, हम हैं आपके और आप सब हमारे हैं, कि जय जय सम्राट जय जय मोर वंशी नारे हैं, स्वागत आपका श्रीमान जो पधारे हैं, स्वागत आपका श्रीमान जो पधारे हैं। जब भी मैं MBC के कार्यक्रम में होता हूं तो मैं सामाजिक समरसता की बातें करता हूं। बब्बू भैया, मैं समरसता की बातें करता रहूंगा, लेकिन मेरा भी मन है कि आज मैं प्रेम और समाज पढ़ दूं। एक बार आदेशित कर दीजिए, आप सबका आशीर्वाद मिले। प्रेम की चार पंक्तियां सुनिए, और पीछे वालों की जिम्मेदारी ज्यादा है कि वो मुझे ज्यादा मन से सुनेंगे। एक बार ताली बजा के बताइए कि पूरे मन से सुनेंगे। अगर अच्छी नहीं लगेगी तो बताइएगी मत, कोई बात नहीं है। कि पहन कर लाल जोड़ा वो किसी में खो रही होगी, कि पहन कर लाल जोड़ा वो किसी में खो रही होगी, किसी महफिल की होगी शान पर वो रो रही होगी, किसी महफिल की होगी शान पर वो रो रही होगी, कि यहाँ बेहाल बैठा हूँ लिए आंखों में आंसू में, कि यहाँ बेहाल बैठा हूँ लिए आंखों में आंसू में, वहां महबूब की शादी मुबारक हो रही होगी, वहां महबूब की शादी मुबारक हो रही होगी। मुझे किसी का मैसेज आया कि आपको मेरे ब्याह में आना है, तब मैंने जवाब क्या दिया सुनिएगा, जवाब क्या दिया सुनिएगा। मैंने पहले ही कहा था कि बात चला लीजिए, मैं बात करूं तो आपने कहा रहने दीजिए बाद में, हो गया ना। चलिए एक बार जोरदार तालियां सूर्या के लिए बजाइए, चार पंक्तियों में आपका मन चाहता हूं। कि यार जज्बा तुम्हें भी नहीं जाऊंगा, कि यार जज्बा तुम्हें भी नहीं जाऊंगा, और प्रेम की अब कसम मैं नहीं खाऊंगा, प्रीत की अब कसम मैं नहीं खाऊंगा, कि खुश रहो तुम सदा ये दुआ है मेरी, खुश रहो तुम सदा ये दुआ है मेरी, आपके ब्याह में मैं नहीं आऊंगा, आपके ब्याह में मैं नहीं आऊंगा। प्रेम में पड़ा हुआ व्यक्ति पुरुष कितना विवश होता है, मना करने के बाद भी जब जाना पड़ा तो रीजन क्या था आप सुनिएगा। कि खुद की जिद छोड़ कर लौट जाना पड़ा, कि खुद की जिद छोड़ कर लौट जाना पड़ा, और जान वादा किया तो निभाना पड़ा, कि यार वादा किया तो निभाना पड़ा, और क्यों जाना पड़ा, कि आखिरी मर्तबा देखना था तुझे,
आपकी मोहब्बतों को पढ़ा, हमें लगता है आप भी इसी दौर से गुजर रहे हैं कि आखिरी मर्तबा देखना था तुम्हें, इसलिए ब्याह में तेरे आना पड़ा, इसलिए ब्याह में तेरे आना पड़ा। जब सिप्रा दीदी बैठी हूँ, जब सिप्रा दीदी बैठी हूँ और उनके जैसी हमारी तमाम बड़ी बहनें बैठी हूँ जो कि मुझे प्रेम भी करती हैं और आशीर्वाद भी देती हैं, तब मैं बेटियों की बात ना करूं तो ये नाइंसाफी होगी। चार पंक्तियां मात्र सकती हूं और बेटियों के लिए समर्पित करता हूं कि बेटियां होती क्या साहब, मैं सिर्फ प्रेम नहीं पढ़ता, मैं और भी कुछ पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि घर का सोलह श्रृंगार होती है, कि घर का सोलह श्रृंगार होती है, मम्मी पापा का प्यार होती है, मम्मी पापा का प्यार होती है, कि बेटे घर का चराग होते हैं, पर ये बेटियां संस्कार होती हैं, ये बेटियां संस्कार होती हैं। और जब मंच पर बब्बू भैया और इस संगठन में तमाम लोग जो मुझे पिता की तरह स्नेह करते हों, यदि ऐसे लोग मौजूद हों तो मैं पिता की भूमिका में यदि पंक्तियां ना पढ़ूं तो मेरे खुद के लिए शर्म की बात होगी। मैं चार पंक्तियां एक पिता की भूमिका में पढ़ता हूं, आप सबका आशीर्वाद मिले। कि पिता होता क्या है, कि धूप में हड्डियां गलाते हैं, कि धूप में हड्डियां गलाते हैं, जिस्म का वो लहू जलाते हैं, जिस्म का वो लहू जलाते हैं, खुद को नीला को नीलाम करते हैं बाजार में, कि खुद को नीलाम करते हैं बाबूजी, तो चार पैसे कमा के लाते हैं, तो चार पैसे कमा के लाते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।